हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा बीएनएम इंग्लिश लिटरेचर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं यूटोपिया को और डिस्टोपिया को। यू कैन सी हेयर ऑन द बोर्ड यूटोपिया और डिस्टोपिया, इन टू टॉपिक्स को इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज गिवन इन यूनिट सेकेंड, ट्रेंड्स इन 20th and 21st century फिक्शन। एंड योर पेपर नेम इज ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन, एंड दिस इज फॉर बी ए पार्ट 3rd semester 5th। तो इस वीडियो में हम यूटोपिया और डिस्टोपिया के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज़ फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे आप पीबीएस पीयू से स्टडी कर रहे हो, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, MGKVP, CCSU, RMPSU, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी में। तो वहाँ की किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से आप स्टडी कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज से, तो सभी के लिए कॉमन सिलेबस है, तो सभी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। एंड इन यूनिट सेकेंड, ट्रेंड्स इन 20th and 21st century फिक्शन, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी हमने यूटोपिया और डिस्टोपिया से पहले बहुत सारा पॉइंट्स डिस्कस कर लिया है, स्टडी कर लिया है, जैसे कि हिस्टोरिकल नॉवल क्या है, गोथिक नॉवल क्या है, एपिस्टोरी नॉवल। इन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको चैनल पर जाना है, प्ले लिस्ट में सर्च करना है, BA 5th semester पेपर का नाम राइट करिएगा, ब्रिटिश एंड अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन, तो आपको सभी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। तो कंटिन्यू करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज की वीडियो क्लास में हमें यूटोपिया और डिस्टोपिया को डिस्कस करना है कि यूटोपिया क्या होता है और डिस्टोपिया क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम यूटोपिया को अंडरस्टैंड करेंगे। सो वॉट इज़ यूटोपिया? तो ये जो टर्म है यूटोपिया, यूटोपिया, ये दिस इज़ द टाइटल ऑफ ए बुक बाई सर थॉमस मैलोरी। एक्चुअल में ये जो यूटोपिया टर्म है, ये एक बुक का नाम है, एक बुक का नेम है, जो कि सर थॉमस मैलोरी ने इस बुक को राइट करा है। और ये बुक है, दिस इज़ द बुक अबाउट एन इमेजरी कॉमनवेल्थ, रिटन इन लैटिन, 1515 से 1516 के बीच में इसको राइट करी गई है, लैटिन लैंग्वेज में ये बुक राइट करी गई है। और सर थॉमस मैलोरी ये रेनेसा के टाइम के राइटर हैं, रेनेसा रोमांटिसिस्ट हैं ये। एंड ये जो वर्ड है यूटोपिया, ये जो वर्ड है यूटोपिया में होता है गुड प्लेस, आप इसको बोल सकते हैं। तो ये टू ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, यूटोपिया एंड यूटोपिया। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, या आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अभी बाद में आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो यूटोपिया, ये टू ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, यूटोपिया एंड यूटोपिया। यूटोपिया की मीनिंग होती है नो प्लेस, मीन्स कोई प्लेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एंड यूटोपिया की मीनिंग है गुड प्लेस। तो दोनों को मिला करके यूटोपिया बन गया है, टू ग्रीक वर्ड्स हैं ये। एंड सर थॉमस मैलोरी ने इन दिस बुक यूटोपिया, ही टॉक्ड अबाउट एन आइडियल प्लेस। इस बुक में जो यूटोपिया उन्होंने राइट करा है, इस बुक में उन्होंने एक आइडियल प्लेस के बारे में बात करी है। और सर थॉमस मैलोरी के बाद से नॉवल में ये जो टर्म है यूटोपिया, इस टर्म का यूज़ एक आइडियल पॉलिटिकल प्लेस के रूप में होता रहा है। सर थॉमस मैलोरी के बाद से बहुत सारे राइटर्स ने फिक्शन राइट करे हैं यूटोपिया के बारे में, यहाँ पे राइट किया गया है। यू कैन सी हियर, फ्रांसिस बेकन हो गए, इनका वर्क है न्यू अटलांटिस, विलियम मॉरिस हो गए, न्यूज़ फ्रॉम नॉवेयर इनका वर्क है, एंड जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रैवल्स, तो ये आपने सुना होगा, नॉवेल है इनका गुलिवर ट्रैवल्स। तो ये सभी यूटोपिया पे राइट करे गए हैं, इसमें यूटोपिया का टर्म देखने को मिलता है। एंड सर थॉमस मैलोरी के पहले प्लाटो ने भी बुक लिखा हुआ है, जो कि यूटोपिया से रिलेटेड है, प्लाटो का बुक द रिपब्लिक। एंड नाउ हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ डिस्टोपिया। ये तो हो गया यूटोपिया, एंड नाउ व्हाट इज़ डिस्टोपिया? तो डिस्टोपिया ये बिल्कुल यूटोपिया का अपोजिट है, ये जो टर्म है डिस्टोपिया, दिस टर्म इज़ अपोजिट ऑफ यूटोपिया। यूटोपिया मीन्स गुड प्लेस, देन डिस्टोपिया मीन्स बैड प्लेस। सो डिस्टोपिया इज़ द अपोजिट टर्म ऑफ यूटोपिया, ये यूटोपिया का बिल्कुल अपोजिट है, इसे एंटी यूटोपिया भी बोलते हैं, एंटी यूटोपिया और डिस्टोपिया, दैट मीन्स बैड प्लेस। ओके, इन रिसेंट वर्क्स ऑफ फिक्शन दे रिप्रेजेंटेड ए वेरी अनप्लेजेंट इमेजरी वर्ल्ड। प्रेजेंट टाइम के जो भी वर्क्स हैं फिक्शन के, दे रिप्रेजेंटेड अ वेरी अनप्लेजेंट इमेजरी वर्ल्ड, दे प्रेजेंटेड एविल्स ऑफ अवर प्रेजेंट सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर और अपकमिंग फ्यूचर कैलामिटीज़। जो प्रेजेंट टाइम के जो रिसेंट वर्क्स हैं फिक्शन के, नॉवेल्स के जो वर्क हैं, उनमें प्रेजेंट टाइम के सोशल, पॉलिटिकल और जो भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनकी बुराइयों को प्रेजेंट किया गया है, और फ्यूचर में क्या कैलामिटीज़ आ सकती हैं, क्या दुर्व्यवस्थाएँ आ सकते हैं फ्यूचर टाइम में,
बिल्कुल ही यूटोपिया से ही अपोजिट है डिस्टोपिया। जिस तरह की इमेजिनेशन करी थी थॉमस मैलोरी ने यूटोपिया में, डिस्टोपिया के जो वर्क्स हैं इनके जो राइटर्स हैं डिस्टोपिया बिल्कुल ही अपोजिट हैं। ओके, और क्या क्या बुक्स हैं डिस्टोपिया से रिलेटेड, डिस्टोपियन नॉवेल्स क्या क्या हैं? सो बुक्स आर जॉर्ज ऑरवेल का 1984, एल्डेक्स हक्सली ये नॉवलिस्ट हैं, ब्रेव न्यू वर्ल्ड इनका वर्क है, एंड एक कोइसलर का डार्कनेस एट नून, ये थ्री वर्क्स हैं डिस्टोपिया से रिलेटेड। गाइस यूटोपिया का एक डिफरेंट फॉर्म एच जी वेल्स और जूल्स वॉन्स जैसे राइटर्स के नॉवेल्स में देखने को मिलता है। एच जी वेल्स और जूल्स वॉन्स जैसे राइटर्स ये लोग साइंस के डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, मीन्स जो भी साइंस में नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं उनकी उनको वो प्रेज करते हैं, उनके अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। बट वहीं कुछ राइटर्स ऐसे भी हैं जो इस चीज़ का अपोज करते हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं जो भी साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्योंकि वो उसके डिजास्ट्रस रिजल्ट को भी देखते हैं क्या क्या उससे नुकसान हो रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने यूटोपिया और डिस्टोपिया से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस कर लिया है, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर न्यू टॉपिक। सो मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, वीडियो आपके स्टडी में हेल्पफुल रही हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट्स ऑल्सो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडी एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।